तो हम लोग करा रहे हैं आज क्या बोलो ट्रांसफॉर्म क्यों रहे सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए क्या क्या मतलब है पढ़ने का रीजन क्या है क्या फायदेमंद है बाकी तो हिंदी इंग्लिश क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश बोलो एक नाम इसका क्या ट्रांसफॉर्म ठीक है बोलो ना पहले तो यूज क्या है सबसे पहले तो यूज क्या देखो ट्रांसफार्मर का यूज इसके नाम के हिसाब से नहीं है यूज क्या है इसका भाई यूज ये है कि ये कम वोल्टता को ज्यादा वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है ज्यादा वोल्टता क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है और उल्टा हम उल्टा भी कर सकता है ज्यादा वोल्टता इसको कम में ज्यादा वोल्टता को कम में भी क्या कर सकता है कन्वर्ट कर सकता है बोलो ना निशान भाई यस सर तो जब एक बार में दो काम तो नहीं हो सकते जैसे हमारे घरों में जो लाइट आ रही है वो बड़े बड़े बिजली घरों से आ रही है तो वहां पर ज्यादा वोल्टेज का बनता है जो हम करंट बनाते हैं वो ज्यादा वोल्टेज का बनाते हैं और हमको तो ज्यादा का चाहिए नहीं मतलब 220 का ही चाहिए बस बोलो ना पापा 1000 10000 5000 का बड़ा बड़ा वोल्टेज का बनता है तो हमें क्या चाहिए वोल्टेज को कम करने वाला कुछ तो चाहिए बोलो तो जो वोल्टेज को कम करता है ज्यादा वोल्टेज को कम करता है एक तो वो अलग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है एक जो कम को ज्यादा में कन्वर्ट करता है वो अलग टाइप का ट्रांसफार्मर होता है ठीक है वहां पे वो लोग क्या करते हैं जब वहां से अपने घरों तक लाइट को ट्रांसफर करते हैं जैसे कोटा में बन रही है तो कोटा से जयपुर आ रही है तो क्या करते हैं ज्यादा वोल्टेज पे भेजते हैं हमारे लिए ज्यादा लंबी दूरी तय करते हैं क्योंकि ज्यादा वोल्टेज पे एनर्जी का लॉस कम होता है वो समझाएंगे अपन कैसे तो ज्यादा जब कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बनानी होती है तो उसको बोलते हैं स्टेप अप जब कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज बनानी होती है तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर ठीक है ना ऊंचाई ट्रांसफार्मर जब अब हमारे पास अगर 1000 वोल्ट का करंट हमें तो चाहिए कम तो अब ज्यादा वोल्टेज से क्या बनाना है कम वोल्टेज तो हमारे घरों के बाहर डीपी रखी रहती है देखो वो डीपी है वो ट्रांसफार्मर ही थे वो होते हैं स्टेप डाउन कौन से होते हो स्टेप डाउन ठीक है हिंदी में क्या होते हैं वो अपचाई है ना क्या बोलेंगे इसको एक तो ऊंचाई एक अपचाई होगा ठीक है ना एक अपचाई होगा अपचाई मतलब क्या होता है जो ज्यादा को कम में कर दे तो हमारे घरों के पास कौन सा होता है अपचाई वाला डीपी रखी रहती है सर होती ना घर चलते है रोड पे सड़क पे देखते हैं रोडों पर डीपी नहीं रखी हुई है सर रखी हुई है फाड़ने कोई बात ठीक है ये यूज है इसका क्लियर है तो किस सिद्धांत पर काम करता है भाई सिद्धांत देखो बेटा इसमें दो कॉइल होती है बात है कितनी कॉइल होती है दो और एक में चेंज करते हैं दूसरे में खुद ब खुद चेंज होता है तो कौन सा प्रेरण होता है एक कुंडली में हम लोग चेंज करते हैं दूसरी कुंडली में खुद ब खुद हो जाता है किस सिद्धांत पर काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कहता है बेटा क्लियर बोलो अच्छा ये अभी दो चीजें पता होगी अब देखते हैं इसकी पहले बनावट देखते हैं बनावट कैसी होती बनावट इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कच्चे लोहे की कच्चा लोहा समझते हैं कैसा पदार्थ होता है कच्चा लोहा लोह चुन के पदार्थ होता है क्यों लेते हैं क्योंकि उससे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाती है फ्लक्स का लीकेज कम से कम होता है विद्युत क्षेत्र बढ़ जाता है ना तो क्या लेते हैं पतली पतली जैसे ये स्टेप्स ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स लेते हैं सॉफ्ट लोहे की ऐसी खूब सारी तो एक के ऊपर दूसरी ऐसी एक ऐसी है जैसे ये सेम ले लो इसको ठीक है ये ऐसी पतली पतली इसको यहां से उठा के इसको ऊपर रखते हैं तो ये ऐसे जम जाते इसके ऊपर फिर ऐसे समझ रहे हो क्या एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रख देते हैं बोलो वैसे जम जाते बीच में खाली जगह जाती है
एक पत्ती जमाएंगे उसको लेपित कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लेपित मतलब कोई विद्युत रोधी पदार्थ से लेपिंग कर देते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ से क्या कर देते हैं, लेपन कर देते हैं। फिर उसके ऊपर दूसरी लग रख देते हैं, तीसरी, फिर तीसरी इसके ऊपर, फिर चौथी उसके ऊपर, ऐसे करते 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 इतना मोटाई बन जाता है, ठीक है ना, अच्छी खासी मोटाई का बना देते हैं, क्लियर है क्या। और उन सब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट लगाते हैं तो पहले क्या लगाते हैं, कोई ऐसी चीज का लेपन करते हैं जो विद्युत रोधी हो, जैसे कोई प्लास्टिक टाइप का है, कोई भी ऐसी चीज का लेपन करते हैं जो विद्युत रोधी हो, ठीक है ना, इस टाइप से करते हैं, क्लियर है क्या, समझ में आई बात। फिर इन पत्तियों को बोलते हैं हम लोग लोह क्रोड, क्या बोलते हैं, लोह क्रोड, ऐसे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखिएगा, वैसे हमको तो बाहर से बोलो, बोलो बेटा, ऐसे देखिएगा, क्लियर है क्या, बोलो ना, बोलो ना, यस सर। आपको पता नहीं क्या है, इस टाइप से 3D बनाने की कोशिश करो ना, 3D में बोलो बनाए बन जाए तो चलो, इस टाइप से कैसे, ऐसे ये नहीं है, बोलो, ठीक है ना, समझ में आई बात, इधर भी ऐसे करो थोड़ा सा, समझ में आ गया क्या, अब लग रहा है थ्रेडिंग कुछ थोड़ा सा, हाँ, एक ऊपर ही थोड़ा, क्लियर है क्या, बोलो, ये होता है सॉफ्ट आयरन क्रोड, क्या होता है, सॉफ्ट आयरन क्रोड, सॉफ्ट आयरन क्रोड, ठीक है ना, बोलो ना, क्लियर, yes, इसके बाद क्या करते हैं सर, इसके बाद यहाँ पर दो कुंडली बनाते हैं, कितनी कुंडली बनाते हैं, दो, एक यहाँ पर कुंडली बनाने के तरीके क्या है, विद्युत रोधी तांबे के तार, वो तांबे के तार भी विद्युत रोधी तांबे के तार होंगे, उनके ऊपर वो लेबल चढ़ा होगा और उन विद्युत रोधी तांबे के तारों को इस पर लपेट दो, ठीक है, और यहाँ से हम लोग इसको देते हैं इनपुट, क्या देते हैं बेटा, इनपुट, इनपुट समझते हैं, निम्न लगा कुंडली में तो निवेश, निवेशी, क्लियर है क्या, बोलो, फिर इसको बोलते फिर प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी, प्राइमरी कुंडली, प्राथमिक कुंडली, इसमें फेरोक संज्ञा बोलते हैं एनपी, फेरोक संज्ञा क्या बोलते हैं, एनपी, इसमें वाले बहने वाले धारा बोलते हैं आई आई, इसको जो हमने वोल्टेज दिया उसको बोलते हैं वी, इसको जो शक्ति देते हैं हम लोग उसको बोलते हैं पी 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 पी, नया ही समझ में, प्राथमिक कुंडली है पी फॉर प्राइमरी, पी से तो लिखेंगे प्राइमरी को, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी करंट, इसमें जो फेरों की संख्या है नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बोलते हैं प्राइमरी नंबर्स, प्राइमरी फेरों में और प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या एनपी, इसका जो वोल्टेज है हम देखेंगे वोल्टेज का कम ज्यादा करना है, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं VP, निवेशी वोल्टेज, और जो शक्ति दे रहे हैं हम लोग वी और आई का गुणा शक्ति होता है, याद है नहीं है, तो वो कहलाती है प्राइमरी शक्ति, क्लियर है, और यहाँ पे फेरोक संख्या है NP, दूसरी कुंडली का बनानी, दूसरी कुंडली में यही बनानी है, ठीक है ना, दूसरी कुंडली में हम लोग यही बनाते हैं, क्लियर है क्या, बोलो, दूसरी कुंडली भी है ऐसे, ये दूसरी कुंडली बना, बोलो, बोलो ना, यस सर, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट, क्या मिल जाएगा, आउटपुट, आउटपुट जो भी हम काम में लेंगे उसको ले लेंगे, इसमें फेरों की संख्या आप क्या बोलेंगे, एन एन एस सेकेंडरी, हाँ, द्वितीय कुंडली, क्या बोलेंगे उसको, एन एस द्वितीय, द्वितीय कुंडली, बोलो ना, यस सर, फेरों की संख्या पहले से बोलेंगे, इसका जो हमें वोल्टेज प्राप्त होगा उसको वीएस वीएस बोलेंगे, इसमें जो धारा बहेगी आईएस आईएस, इसकी जो शक्ति हमें प्राप्त होगी उसको बोलेंगे पीएस, बोलो, और फेरों की संख्या कम ज्यादा रखनी होती है हमेशा, क्या रखनी होती है, क्यों, क्योंकि फेरों की संख्या के आधार पर ये दो टाइप का होता है, अगर प्राइमरी फेरों की संख्या ज्यादा है और इधर कम है तो उसको बोलते हैं स्टेप, सुनो, इधर फ्रैक्शन के ज्यादा है इधर क्या है कम, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, कम किए ना ज्यादा से कम किया है, उसको बोलते स्टेप डाउन, अब चाहे ट्रांसफार्मर उसे कम वोल्टेज प्राप्त होगी, अगर यहाँ फ्रैक्शन के कम है और यहाँ पर ज्यादा है तो हमने कम से ज्यादा किया है, स्टेप अप, स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ेगा तो उच्च चाहे
ट्रांसफार्मर हो। क्लियर है? तो फेरों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या क्या काम में आया था बताओ? उपकरण इसमें जो बनाया था इसमें क्या क्या काम आया था? एक तो लोहे की क्रोड़ काम आई, लोहे की क्रोड़ ये काम आई। दूसरे क्या है? तांबे के तार, तांबे के विद्युत रोधी तार, तांबे के विद्युत रोधी तार, बोलो ना। यही तो था बस, दो ही चीज थी सर, इनसे भरा होता है। क्लियर है? इसके बाद देखो काम कैसे करेगा बर्फी। क्या बर्फी? चित्र को समझ में आया नहीं आया? बोलो सबके वर्किंग कैसे करेगा? सो बहुत इजी है वर्किंग करना। जैसे इसमें हमने वोल्टेज दिया, वोल्टेज दिया तो क्या होगा? इसके अंदर ईएमएफ बनेगा। बोलो क्या बनेगा? ईएमएफ। ऐसे हमने वोल्टेज दिया, करंट आएगा, करंट का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र में जैसे जैसे वो करंट बढ़ाता जाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र बनता जाएगा, करंट बढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विद्युत फ्लक्स भी बनेगा, जैसे फ्लक्स पार होगा। बोलो ना। तो प्रथम कुंडली में, प्रथम कुंडली में वीपी कैसे बना? प्रथम कुंडली में बना ईएमएफ कितना होगा? बोलो ईएमएफ या वोल्टेज कितना होगा? बोलो ईपी बराबर डी अपॉन डीटी ऑफ फाई। ये होगा ना? हाँ। अब सुनो, जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, फ्लक्स बाय बनेगा, बोलो ना। और फ्लक्स में चेंज होने पर इसका बनेगा ईएमएफ। क्या बनेगा? एक बात सुनो बेटा, दोबारा सुनो। जो यहाँ पे मैं वोल्टेज दूंगा ना, बोलो यहाँ पे क्या दूंगा मैं? वोल्टेज। जो वोल्टेज दूंगा इट मीन्स समझो जो मैं करंट फ्लो करवाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसमें क्या बनेगा? अंदर चुंबकीय क्षेत्र। सुनो ध्यान से, कोई ब्लैक लाइन और कोई कलर है मेरे पास, चले हरा वाला देखो। यहाँ जैसे करंट फ्लो करूंगा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा कि वो दोनों होके पार होगा। दोनों होगी क्या होगा? वो पार होगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है ना? इस टाइप से क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा जो दोनों होके पार हो। बोलो ना, कुछ ऐसा भी होगा जो एक दो जो बाहर भी निकल जाएगा। ठीक है ना? कुछ ऐसा भी होगा जो क्या हो जाएगा? बाहर भी निकल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम हम चाहेंगे कि जो फ्लक्स बना पूरा फ्लक्स इसमें से होके पास हो। जब भी तो जितना फ्लक्स इसमें चेंज होगा वही फ्लक्स इसमें चेंज होगा। जितना ईएमएफ इसमें बनेगा फिर उतना ईएमएफ इसमें बन जाएगा, फ्लक्स बाहर नहीं गया तो। तो पहली कुंडली में कितना ईएमएफ बना होगा फ्लक्स चेंज होने की वजह से? तो प्रथम कुंडली में बना ईएमएफ, बोलो ईपी इक्वल्स टू डी अपॉन डीटी ऑफ फाई। बोलो ना। अच्छा, इसको तो फेरों की संख्या, फेरों की संख्या एन पी है, ये है ना फाई। तो फाई तो क्या है? एक फेरों में फ्लक्स, दो फेरों में तो दो फाई, तीन फेरों में तीन फाई। लेकिन फेरे कितने पहले प्राइवेट में एन 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 क्या आपको क्या जोड़ना पड़ेगा हमें एन एन पी। बोलो ना, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना? अगर ये पूरा पूरा फ्लक्स इसमें चला गया, पूरा पूरा फ्लक्स है इसमें चला गया, तो इसके अंदर में भी दूसरी कुंडली के अंदर भी ईएमएफ क्रिएट होगा। बोलो यस सर। द्वितीय कुंडली के अंदर बना ईएमएफ, द्वितीय कुंडली में बना ईएमएफ, जिसको हम प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरित। उसको क्या बोल दो? ईएस। वो क्या होगा? डी अपॉन डीटी ऑफ फाई और एनएस। अब सुनो, फाई इसका है जितना उतना ही इसका है, पूरा फ्लक्स इसी में से जा रहा है। बोलो यस। तो उसका फ्लक्स कितना था हमारे पास? एनएस। बोलो कितना था? एनएस। इसके आगे क्या लगाऊंगा? एनएस। इसके फेरों की संख्या लगाऊंगा ना? एनएस। इसके फेरों की संख्या क्या है? एन माइनस का साइन भी है वो तो कट जाएगा अपॉन एन एस डी फाई अपॉन माइनस माइनस कर जाएगा डी फाई से डी फाई कर जाएगा। क्या बचाएगा? बोलो बोलो क्या बचने वाला? ई पी अपॉन ई एस इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन पी अपॉन एन एस। इससे क्या पता चला पता है? देखो इससे पता चल रहा है कि ई पी इज प्रोपोर्शनल टू है एन पी।
ES is proportional to क्या है? NS. इसका मतलब कह रहा है कि जो वोल्टेज बनेगा वो फेरो संख्या पर निर्भर करेगा. अगर इधर प्राइमरी में ज्यादा फेरे हैं तो प्राइमरी में EMF भी ज्यादा होगा, सेकेंडरी में ज्यादा है तो सेकेंडरी में ज्यादा होगा. मतलब जिधर की साइड का EMF है वो फेरो की संख्या पर निर्भर करता है. अगर इसका फेरो संख्या यहाँ पर 50 है और यहाँ पर कितना है 10 है, तो इसका EMF अपने आप 50 के बराबर होगा या 50 के जैसा होगा, मतलब बड़ा होगा इससे. तो EMF सिर्फ किस पर निर्भर कर रहा है? फेरो की संख्या. हमें आउटपुट ज्यादा, आउटपुट चाहिए ज्यादा फेरे लगा दो, इधर ज्यादा वोल्टेज चाहिए ज्यादा फेरे लगा दो. ठीक है ना, बोलो ना. हम अपने घरों के पास हमें तो कम वोल्टेज चाहिए होता है, तो बताओ कौन सा वाला होगा, इधर ज्यादा चाहिए कम चाहिए? फिर हमें कम चाहिए. इधर हमारी डीपी होती है उसमें दो कॉइल होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. सेकेंडरी में होगी ज्यादा फेरे और प्राइमरी होगा कम. सॉरी, प्राइमरी में होगा ज्यादा फेरे, सेकेंडरी में होगा कम. यहाँ पर कम रखना है, तो कम होगा जब हमारे घर में कम मिलेगा हम लोगों को. तो हमारे पास कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप डाउन. ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो एक सूत्र तो ये आ गया कि EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS. और देखो और फॉर्मूले भी हैं. करंट पे क्या होगा, देखो करंट का सुनो. अब देखो आप लोग कैसा ट्रांसफार्मर चाहते हैं, जो जितनी ऊर्जा दे, जितनी शक्ति ले उतनी शक्ति दे, वही तो चाहिए हमें. बोलो हम क्या चाहते हैं कि जितनी शक्ति वहां से मिल रही उतनी शक्ति हमें दे. तो आदर्श ट्रांसफार्मर कौन सा? आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है? बोलो बोलो क्या होता है? निवेशी शक्ति बराबर क्या होनी चाहिए? निर्गत शक्ति. ये होना चाहिए ना आदर्श वाला. हाँ. जितनी शक्ति दी उतनी शक्ति हमें मिले. हाँ. तो निवेशी शक्ति क्या होगी? बोलो बोलो क्या होगी? वी पी पी इक्वल्स क्या हो जाएगा? पी एस. और पी पी कितनी होती है? VS VP VP IP. बोल रहे हो तुम भी तो? हाँ सर. इधर VS IS IS. और V को क्या लिख सकते हो? EMF के फॉर्म में लिख सकते हो. तो E P I P is equals to E S I S I S. तो मैं क्या करूँ पता है? ES को इसके नीचे ला दूँ. क्या जा रहा? EP upon ES is equals to IP. जिसमें वोल्टेज ज्यादा, देखो इसका तो नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ना पी तो. हाँ. वोल्टेज इसका देखो नीचे आ रहा है ना पी पी. इसका जिसमें वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें कम करंट होगा. उल्टा है ना, रेसिप्रोकल है ना. क्या लिख सकते हैं इसको? EP is proportional to 1 upon IP. उल्टा है. यस सर. इसका मतलब है कि हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो करंट कम मिलेगा, ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो करंट कम मिलेगा. अगर शक्ति वही है, जैसे सुनो, जैसे यहाँ पर हमें 100 वाट मिल रहा है, ठीक है, वहां से बिजली घर से, और हमें भी 100 वाट ही चाहिए, ठीक है ना. 100 वाट शक्ति का फॉर्मूला तो अभी है, 1 1 कर दो, यहाँ पर 2 2 कर दो. बोलो अब सुनो, ये 100 कैसे हो रहा है? 20 वोल्टेज तो आ रहा है, 20 तो वोल्ट आ रहा है, और 5 क्या आ रहा है? एम्पियर करंट आ रहा है. तो कितना होगा? 20 बन जाए 100. ये ऐसे है 100. बोलो. अब हमें चाहते हैं, हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा हो. हमें सपोज एट करंट चाह रहे हैं हम लोग 10, तो अब बताओ वोल्टेज भी कितना मिलेगा? 10. जब भी तो कितना होगा? 10 10 के 100. ये वी और आई है ना भाई. हमें ज्यादा करंट चाहिए, करंट कितना है? 5. हमें कितना चाहिए? 10. करंट ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को गुणा तो वही रखना है ना. बोलो. लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का क्या हुआ? 10 था और 20 था, कितना रह गया? 10. तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ? एक तो स्टेप डाउन हुआ. तो स्टेप डाउन ने क्या किया? वोल्टेज को तो कम कर दिया लेकिन करंट को ज्यादा कर दिया. तो स्टेप डाउन की क्या खासियत है? दोनों समझा दूं. स्टेप डाउन, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जब वोल्टेज को तो कम कर दे लेकिन करंट को बढ़ा दे. वोल्टेज को क्या कर दे? कम, लेकिन करंट को क्या कर दे? बढ़ा दे. वो स्टेप डाउन होता है.
और स्टेप अप क्या होगा फिर बोलो? स्टेप अप तो वोल्टेज छोटे वोल्टेज को तो बड़ा वोल्टेज में कन्वर्ट करते थे, 10 को तो 20 करते, और करंट को बड़े करंट को कम करंट में कन्वर्ट कर, ये कम कर दे ये बड़ा, बोलो ना? यस सर। समझ आया? यस सर। अब देखो फार्मूला क्या हो गया, एक फार्मूला क्या हुआ कि EP अपॉन ES इज इक्वल टू होता है IS अपॉन IA। अब देखो ES को EP अपॉन ES की जगह NP अपॉन NS भी लिख सकते हैं, इसी में ऐड कर दो ये भी, बोलो ना? यस सर। भाई ये क्या EP अपॉन ES है ना, तो EP अपॉन ES की जगह क्या लिख सकते हैं? NP अपॉन NS। NP अपॉन NS। ये फार्मूला क्या था जाने का, पूरा पूरा याद कर लो, ये हटा दो, चलो ऐसे हटा दो, बोलो बनी हुआ? यस सर। क्या याद रखोगे? EP upon ES, NP upon NS, इन करंट उल्टा करना, IS upon IB। ऐसा समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। आया नहीं आया? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, समझा दिया? अच्छा एक बार और समझाओ मुझे, यहाँ पर आओ वापस, दोनों अलग अलग बताओ, ये तो क्या स्टेप अप, स्टेप अप, ये स्टेप डाउन, डाउन ठीक है, स्टेप अप में क्या होता है बोलो? वोल्टेज का वोल्टेज को वोल्टेज ज्यादा मिलेगा ना, तो कम वोल्टेज को ज्यादा में कन्वर्ट करेगा, क्लियर है ना? यस सर। मतलब यहाँ पर वी पी कम होगा वी एस ये वाला, फिर संख्या कम होगी ज्यादा होगी, किधर कम होगी किधर ज्यादा होगी बताओ, ज्यादा चाहिए ना, एन एस ज्यादा होगा और एन पी कम, एन पी से कम, लेकिन करंट उल्टा होगा, करंट किस में ज्यादा होगा? प्राइमरी में ज्यादा होगा, सेकेंडरी में करंट कम होगा, ठीक है, लेकिन शक्ति दोनों को बराबर होगी ना, फिर छोड़ो यहाँ बराबर भी ज्यादा इधर स्टेप डाउन, तो हाँ तो हमें ज्यादा से कम चाहिए, मतलब वी पी ज्यादा होगा वी एस कम होगा, तो फिर उसे इधर ज्यादा चाहिए, एन पी ज्यादा होगा एन एस कम कम होगा, लेकिन करंट बढ़ जाता है, आई पी हो जाएगा इस बार कम और आई एस हो जाएगा ज्यादा, और शक्ति तो सही में रखनी है, बोलो ना? क्लियर है क्या चीज? तो दो टाइप के समझ में आ गए, बोलो बेटा, इजी है ना, कोई टेंशन थोड़ी ना, बोलो बोलो पक्का क्लियर। अच्छा अब देखो इसके अलावा छोटा सा टॉपिक और है इसमें कि इसमें एनर्जी का लॉस कहाँ कहाँ होता है, जब ये काम करता है तो एनर्जी का लॉस होता है, तो एनर्जी का लॉस कहाँ कहाँ होता है वो सुनो, ये हटा दो बोलो, हाँ हटा दो भाई, बोल तो दो नहीं हटाओ, इसको पॉज करते हैं, देखो ट्रांसफार्मर या कोई भी उपकरण काम करता है तो उसकी दक्षता चेक की जाती है, क्या की जाती है? दक्षता का मतलब क्या होता है सर? दक्षता वो चीज होती है कि हम इसको कितना दे रहे हैं, तो ये हमें कितना दे रहा है उसके बदले, उसको बोलते हैं दक्षता। जैसे हम लोग किसी मजदूर को 1000 रुपए दे रहे हैं, अब वो कितना काम करके हमें दे रहा है, उसकी दक्षता से पता चलता है। जैसे एक मोटरसाइकिल है जो 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चल रही है, और एक मोटरसाइकिल 1 ही लीटर में 50 किलोमीटर चल रही है, तो किसकी दक्षता ज्यादा हुई? जो 50 किलोमीटर चल रही है। तो दक्षता का मतलब क्या होता है, कैसे चेक करते हैं हम क्या दे रहे हैं उसको, उसके बदले वो हमें कितना दे रहा है, अगर ज्यादा दे रहा है अच्छा दे रहा है तो उसकी दक्षता अच्छी है, अगर कम दे रहा है उसकी दक्षता कम है, ठीक है ना? तो दक्षता निकालने का तरीका क्या है, तो ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता को लिखते बेटा नीटा से, इसे लिखते नीटा, नीटा बराबर होता है कि हमने कितनी शक्ति दी है, तो हमने जो शक्ति दी उसको क्या बोलते हैं, निवेशी शक्ति, बोलो ना? बोलो ना? यस सर। और जो हमको मिल रही है उसको क्या बोलेंगे, निर्गत शक्ति, ठीक है, इनका अनुपात निकालने वाले हैं, कैसे निकालेंगे, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, निर्गत का मतलब समझ लो ना, आउटपुट पर कितना मिली हमें, आउटपुट की शक्ति बटे इनपुट, इनपुट क्या बोलते हैं, निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति मतलब इनपुट, और इसको गुणा कर देंगे किससे बेटा, 100 से, किसे गुणा कर देंगे 100 से, बोलो ना, किसे गुणा कर देंगे, इतना सा फॉर्मूला पूछ लेते कई बार, या पूछ लेते कि इतनी शक्ति हमें मिली, इतनी शक्ति हमने दी, तो फिर उसकी दक्षता निकालो, तो निकाल देना आपको, ठीक है ना? ऊपर क्या लिखना, कितना मिली हमें बटे कितना दिए इनटू सौ, क्लियर है बोलो?
बोलो ना यस सर। ऐसे दे सकता है द्वितीय कुंडली की शक्ति बटे प्रांत, तो द्वितीय में तो होता है आउटपुट, क्लियर है क्या? यस सर। इसको ऐसे बोल सकता है ना, पी एस बटे एनर्जी का लॉस कहाँ का होता है? ठीक है बोलो। इसमें एनर्जी का लॉस भी होता है, यंत्र काम करेगा तो एनर्जी तो खाएगा ही, एनर्जी का वेस्ट भी करेगा। मतलब क्या है कि दक्षता 100% नहीं हो सकती किसी भी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितनी नहीं हो सकती? 100% नहीं हो सकती। बस बन जाओ, नहीं हो सकती। कितनी हो, नहीं हो सकती बोलो? 100% कभी भी नहीं हो सकती 100%। तो भाई जैसे 95% है तो 5% एनर्जी का लॉस हुआ, पावर का लॉस हुआ, वो काम ही है। तो वो हम कर रहे हैं पावर का लॉस कहाँ कहाँ होता है, ठीक है? तो फिर वो कल ही कर रहे हैं।